हेलो एवरी वन वेलकम टू वी साइंस अकेडमी सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ओके सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो यहाँ पर देखिए आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म इज़ क्लासिफाइड इंटू टू टाइप दैट इज फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म ओके देन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज फर्दर क्लासीफाइड इंटू सिक्स टाइप ओके फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म देन पोजिशन आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म टोटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म ओके वेर ए स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप दैट इज फर्स्ट इज जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओके सो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है ओके okay? सो so, आइसोमेरिज्म में यहाँ पर है आइसो आइसो का मतलब क्या होता है सेम ओके okay? मतलब यहाँ पर ऐसे दो कंपाउंड होंगे या दो से ज्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी डिफरेंट होगी ओके okay? देन नेक्स्ट व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ओके सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड होंगे जिनका मॉलिकुलर फॉर्मुला सेम होगा बट उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा डिफरेंट होगा ओके सो यहाँ पर हम सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप देखेंगे दैट इज चेन आइसोमेरिज्म द फर्स्ट टाइप इज चेन आइसोमेरिज्म ओके सो सी दी डेफिनेशन टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन ओके यहाँ पर क्या होगा दो कंपाउंड होंगे या दो से ज़्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा ओके बट डिफरेंट क्या होगा मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे होंगे डिफरेंट होंगे ओके okay, सो so सीधी एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दो कंपाउंड लिए हैं ओके okay, दोनों कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ठीक है देख लेते हैं यहाँ पर कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर यहाँ पर है फोर कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं थ्री टू फाइव टू सेवन थ्री टेन हाइड्रोजन है टेन वेरी अगर हम सेकंड कंपाउंड में मोलिकुलर फॉर्मला चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फोर कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं थ्री 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 नाइन वन टेन ओके मतलब दोनों कंपाउंड में मॉलिकुलर फॉमला सेम है ओके बट डिफरेंट क्या होगा मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिफरेंट होंगे ओके सो यहाँ पर देखिए पहले कंपाउंड में ये है मेन चेन ओके कितने कार्बन है मेन चेन में फोर कार्बन ठीक है वेरस अगर आप सेकेंड कंपाउंड में देखते हो तो मेन चेन कौन सी है ये है मेन चेन कितने कार्बन की चेन है थ्री कार्बन ठीक है मतलब हमने क्या देखा मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कैसे हैं डिफरेंट है यहाँ पर है फोर कार्बन यहाँ पर है थ्री कार्बन ठीक है मतलब यहाँ पर हमने दो कंपाउंड लिया दोनों कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कैसे हैं डिफरेंट है ओके सो okay, so इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म okay now see the next type that is position isomerism okay so see the definition two or more compound having same molecular formula सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट पोजिशन ऑफ़ फंक्शनल ग्रुप ओके यहाँ पर क्या होगा दो कंपाउंड होंगे या दो से ज़्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा बट डिफरेंट क्या होगा फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन ओके सो सीधी एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दो कम्पाउंड लिए हैं ठीक okay, so है फर्स्ट इज़ प्रोपेट वन ऑल सेकेंड इज़ प्रोपेट टू ऑल ओके सर दोनों कंपाउंड के मोलिकुलर फॉमूला सेम है ठीक है देख लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर कितने कार्बन है वन टू थ्री कार्बन थ्री है हाइड्रोजन कितने थ्री टू फाइव टू सेवन वन एट हाइड्रोजन एट है और ऑक्सीजन एक ही है ठीक है देन सेकेंड कंपाउंड में मोलिकुलर फॉर्मूला चेक कर लेते हैं कितने कार्बन है वन टू थ्री थ्री कार्बन है हाइड्रोजन कितने हैं थ्री थ्री सिक्स सेवन एट और वन ऑक्सीजन है ठीक है मतलब दोनों कंपाउंड में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ओके देन दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ओ एच डैट इज एल्कोहल यहाँ पर भी प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप ओ एच डैट इज एल्कोहल ठीक है बट यहाँ पर डिफरेंट क्या होगा फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन ठीक है यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पर और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सेकंड कार्बन पर ठीक है मतलब यहां पर हमने क्या देखा हमने दो कंपाउंड लिए हैं दोनों कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मुला सेम है फंक्शनल ग्रुप भी सेम है बट फंक्शनल ग्रुप का पोजिशन कैसा है डिफरेंट है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन पर और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पर ओके सो so, इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म Now see the next type that is functional group isomerism. Okay, so see the definition. Two or more compound having same molecular formula but different functional group. Okay, यहाँ पर क्या होगा? दो compound हो सकते हैं या दो से ज़्यादा compound भी हो सकते हैं जिनका molecular formula same होगा. Okay, but functional group कैसा होगा? Different होगा. Okay, so see the example. यहाँ पर हमने दो compound लिए हैं. Okay, अगर आप दोनों compound में देखते हो तो दोनों compound के molecular formula same है. ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने carbon हैं? One, two. टू कार्बन है हाइड्रोजन कितने हैं थ्री टू फाइव वन सिक्स हाइड्रोजन है सिक्स और ऑक्सीजन एक ही है ठीक है वेरेज अगर आप सेकेंड कंपाउंड में देखते हो तो यहाँ पर कितने कार्बन हैं दो कार्बन है हाइड्रोजन कितने हैं सिक्स हैं और एक ही ऑक्सीजन है मतलब दोनों कंपाउंड में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ओके okay, बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ओ एच डैट इज एल्कोहल और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ओ डैट इज इथर ओके मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा हमने दो कंपाउंड लिए हैं दोनों कंपाउंड में मोलिकुलर फार्मूला सेम है ओके बट फंक्शनल ग्रुप कैसा है डिफरेंट है ओके okay, सो so इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ओके सो नेक्स्ट टाइप इज मेटामेरिज्म ओके सो सी दी डेफिनेशन टू और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ओके सो यहाँ पर क्या होगा दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा ओके बट फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कैसे होंगे डिफरेंट होंगे ओके okay? सो so, सीधी एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दो कंपाउंड लिए हैं फर्स्ट इज डाईल इथॉर एंड सेकेंड इज मिथाइल आइसोप्रोपाइल इथॉल ओके सो अगर आप दोनों कंपाउंड को देखते हो तो दोनों कंपाउंड में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दैट इज सी फोर एच टेन ओ ओके बट डिफरेंट क्या होगा फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पर नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिफरेंट होंगे ओके सो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ओ डैट इज़ इथर ठीक है यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ओ डैट इज ईथर ठीक है यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो सेंटर में होते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप सेंटर में प्रेजेंट है ओके okay? तो so यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पर यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पर है दो कार्बन यहाँ पर भी है दो कार्बन ओके बट इस कंपाउंड में देखिए फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड पे है थ्री कार्बन वेरस राइट साइड पर एक ही कार्बन है ठीक है मतलब यहाँ पर हमने क्या देखा हमने दो कंपाउंड लिए हैं दोनों कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पर नंबर ऑफ कार्बन कैसे है डिफरेंट है ठीक है यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में यहाँ पर दो कार्बन है यहाँ पर भी दो कार्बन है ठीक है बट इस वाले कंपाउंड में कितने कार्बन है यहाँ पर है तीन कार्बन और यहाँ पर है एक कार्बन ओके सो तो इस तरीके का आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं मेटामेरिज्म

ओके okay, सो so यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है कीटोन ठीक है सो यहाँ पर हम लिखेंगे कीटो इट इज अ कीटो फॉर्म ओके तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर खुद के ही मोलिक्यूल में क्या होगा प्रोटोन की शिफ्टिंग हुई ठीक है मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ से एक प्रोटोन शिफ्ट होगा यहाँ पर ठीक है और यहाँ से एक बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर ठीक है सो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा सी एस थ्री सी ओ एच ठीक है यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड सी एच टू ओके सो यहां पर फॉर्म हुआ है इनॉल ठीक है इसे इनॉल क्यों बोलते हैं बिकॉज यहां पर देखिए यहां पर है डबल बॉन्ड डैट इज अल्किन इन और यहां पर है एल्कोहल डैट इज ऑल ठीक है तो ये हो गया इनॉल ठीक है मतलब कीटो फॉर्म का कन्वर्जन हुआ है इनॉल फॉर्म में ठीक है सो दिस इज कॉल्ड एज कीटो इनॉल टोटोमेरिजम ओके सो कीटो एंड इनोल्स आर टोटोमर्स ऑफ ईच अदर ओके सो लास्ट टाइप इज रिंग चेन आइसोमरिज्म ओके सो सी द डेफिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट वन हैज एन ओपन चेन वाइल अदर हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर ओके सो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो कंपाउंड होंगे उनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा ओके okay, बट उनके स्ट्रक्चर कैसे होंगे तो यहां पर देखिए एक होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर और दूसरा होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ओके सो सीधे एग्जाम्पल यहां पर हमने दो कंपाउंड लिए हैं फर्स्ट इज प्रोपीन एंड सेकेंड इज साइक्लोप्रोपिन ओके अगर आप दोनों कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला को देखते हो तो मोलिकुलर फॉर्मूला कैसा है सेम है डैट इज सी थ्री एच सिक्स ओके बट इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं अलग है यहां पर देखिए इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर ओके वाइल सेकेंड कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है ये है साइकिलिक स्ट्रक्चर ओके सो रिंग चैन आइसोमरिज्म क्या होता है यहाँ पर दो कंपाउंड हमने लिए हैं दोनों कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है बट एक है ओपन चैन स्ट्रक्चर और दूसरा है साइक्लिक स्ट्रक्चर ओके सो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म